नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और आपको हमारे खबर के माध्यम से एक दुखद घटना के बारे में आपको बता दें कि धरती आबा बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं मंगल मुंडा का आज निधन हो गया है। वहीं इनके निधन से जो है पूरे आदिवासी समाज के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी शोक की लहर व्याप्त है। उनके निधन के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जो है शोक संवेदना प्रकट की है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर शोक संवेदना प्रकट की है। वहीं उन्होंने रिम्स जाकर मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर जो है उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तो इस तरह से आज बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया और उनके निधन से कहीं ना कहीं झारखंड में शोक की लहर व्याप्त है। वहीं पुष्प चक्र अर्पित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घटना थी। बस के दुर्घटना होने की वजह से मंगल मुंडा जी उस घटना में बहुत गंभीर चोट आई और यहाँ डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया, मैं भी आया था देखने के लिए और मुझे उसी समय ये जानकारी मिली थी कि बहुत गंभीर चोट लगी। अब अपने तरफ से जो प्रयास था उनका उन्होंने किया, अब समय का इंतजार था कि कुछ पॉजिटिव ये दिखे। अंतोगत्वा आज आप सब लोगों ने देखा कि मंगल मुंडा जी का निधन हो गया और हम लोगों की पूरी नजर थी इस घटना पर और इनके इलाज पर। प्रयास भी था कि कहीं दूसरे राज्य में भी ले जा करके उनकी इलाज हो पाए, चूंकि वो वेंटिलेटर में थे, थोड़ा सा भी समय ना मिला और अंतोगत्वा परिणाम हम लोग के सामने आश्रितों को परिवार को उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, खैर परिवारों पर वैसे भी सरकार की विशेष ध्यान रहती है और जो भी सहायता होगा, जो भी सहयोग होगा सरकार की तरफ से उनको सारा उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। हम आपको बताते चले कि मंगल मुंडा का जो निधन हुआ है उनके निधन से कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में शोक की लहर व्याप्त है। हम आपको ये भी बताते चले कि पिछले कई दिनों से रिम्स में उनका इलाज चल रहा था और कुछ दिनों पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में बुरी तरह से वो घायल हो गए थे, तो रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था तो रिम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यानी एक हम कहें तो बिरसा मुंडा के वंशज का निधन होना ये झारखंड के लिए बेहद ही काफ़ी दुखद घटना है। तो जीएन भारत के लिए रांची से मैं मोहन कर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।